अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो सब? ठीक ठाक? तो ये आज मेरा पहला दिन है व्लॉग शुरू करने का, तो मैंने चाहा कि व्लॉग से पहले पहले आप लोगों से कुछ शेयर करूं और कुछ बता दूं कि मैं व्लॉग क्यों बनाना चाह रहा हूं और आगे क्या होगा, कुछ भी आइडिया नहीं है। मुझे पता है कि एक्सपीरियंस तो मुझे नहीं है व्लॉग करने का, बस इतना पता है कि मोबाइल को फ्रंट फेसिंग कैमरा और फिर वीडियो जो होगा वही शेयर करूँगा, और ख़ासकर ट्रेवल्स, फन, एक्सपीरियंस, ये सब कुछ का सोचा है। तो मैंने सोचा कि व्लॉग से पहले पहले आप लोगों से कुछ बातें करूँ कि क्यों शुरू किया व्लॉग, और कुछ मैं बताऊँ कि मेरा नाम क्या है, क्या करता हूँ। सो बेसिकली माई नेम इज़ मोहम्मद उवैस, और व्लॉग शुरू करने की पहली वजह तो यही है कि मेरी कुछ विशेज हैं यूट्यूब पे आगे बढ़ने की। स्ट्रीमिंग भी करता रहा लेकिन आदत है ना छोड़ने की, हो नहीं पाता ना। तो मैं सोच रहा हूँ कि व्लॉग का कुछ ऐसा सीन ना बने कि मैं आगे मूव नहीं करूँ। तो बेसिकली ये वीडियो मैं व्लॉग की हुई है ऑलरेडी, ये वीडियो मैं बाहर में बना रहा हूँ, मतलब अभी तो लेट हो गया ना, नाइट टाइम है। तो व्लॉग तो ऑलरेडी हम गए थे, ट्रेवल किया है, अचानक से कुछ प्लान नहीं किया था, लेकिन दोस्त था इकराम, उसने कहा कि चलो मेरे साथ अफगान बॉर्डर पे चलते हैं, उसका कुछ काम था। तो बेसिकली व्लॉग भी बन गया मेरा और मज़ा भी आ गया, वहाँ पे कुछ ट्रेडिटीज़ भी हुई, एक्सपीरियंस भी हुआ, एक्सप्लोर भी कर लिया वहाँ पर। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी साथ में अपनी एक्सपीरियंस शेयर करूँ, क्योंकि मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट हूँ नहीं इस चीज़ में, लेकिन वक्त के साथ साथ ना इंसान सीख लेता है। बेसिकली यही कहना चाह रहा था। ठीक है, यही था कुछ जो पहले बताना चाह रहा था व्लॉग्स की एक्सपीरियंस फर्स्ट। तो आगे जो होगा नेक्स्ट डे वो तो फिर सोचा जाएगा, क्योंकि फ्यूचर का हमें भी नहीं पता जो होगा जो नहीं होगा। इंशाल्लाह फिर आप इस व्लॉग के बाद दोबारा इंशाल्लाह कल की व्लॉग में मिलेंगे, और अपना ख्याल रखना, टेक केयर। व्लॉग की तरफ अभी हम सुरकमर से थोड़ा आगे आ गए, ये पहाड़ देख सकते हो आप लोग, और ये ऊपर जो है ये रेलवे की पटरी है, जो बच्चे खेल रहे हैं। ये अभी बंद हुआ है, यहाँ पे पहले ट्रेन जाता था काबल यहाँ से, और ये हम अभी जा रहे हैं। खूबसूरत इलाका है यहाँ पे, किला है जो आगे हमने देखा, मुझे तो नहीं पता कौन सा इलाका है, लेकिन शागी नाम है इसका। और ये खूबसूरत नजारे ऊपर पुलिस और शोधों के नाम लिखे हुए हैं इसके साथ, और ये किला है साथ में, और ये नीचे गांव, और अब ये खूबसूरत मौसम भी अच्छा है आज, हेलीपैड का जगह है कि नहीं, सॉरी वो पीछे ग्राउंड है। ये रोड बंद है आगे, और ये पीछे पुलिस वाले भी खड़े हुए हैं, पता नहीं आगे से भी गाड़ी आ रही है और पीछे से भी पुलिस रात का रास्ता बन गया, और ये बाबा दौड़ते हुए गाड़ी में चढ़ते हुए, बाबा कहना बाबा रास्ता दोनों साइड से। ये टेंट है जो हम यार, ये तकरीबन ये रास्ता बंद था तो हम यहाँ पे आ गए हैं, ये देख सकते हो सारी गाड़ियाँ की वजह से बंद है। खबर नाराज हो यार, सही हुआ लार बंद ना।
ये अभी खतरनाक खतरनाक सीन्स आ रहे हैं। गुजारा यार, इन लोगों ने रोड का बेड़ा गर्क कर दिया है, बिल्कुल रोड बन गया हुआ है। ये सारे बॉर्डर और ये बड़ा जबरदस्त मौसम, मुझे लग रहा है पिछड़ा और बारिश होगी। दुआ तो ये है, हम पिछड़ा में नजदीक ही हैं अभी। ये देखो मौसम, वेदर चेक करो। ये जबरदस्त मौसम है यार। इसने शीशा खोल दिया, सब कुछ गीला हो गया। और मौसम मौसम चेक करो बस, अल्लाह का कुदरत। वाकई में यार मजा आ गया है, व्लॉग फर्स्ट व्लॉग का बहुत जबरदस्त मजा आने वाला है। मैं तो नहीं शुरू करने वाला था, लेकिन अभी दिल कर बहुत सब कुछ बहुत सब सबक भी मिला है यार। भाई ये तो बिल्कुल सही बात ही है, ये मौसम चेक करो बस, और कुछ नहीं, सिर्फ एंजॉय द रेनिंग। मजा आ रहा है यार। ये अभी हम पहुंच गए पिशावर, और मैं आपको अभी बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ कि कैसे है। बाहर नारायण और हम पिशावर में खैर से पहुंच गए हैं, और ये हमारा जहाज चौक, ये जहाज चौक है। मौसम चेक करो, मौसम मौसम का बस कोई बात नहीं है। नारायण का आलान बन गया, ये हमारा पिशावर। और ये अभी हम घर की तरफ रवाना।